नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न ये रहा, कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं और पावर स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए किस संगठन ने हाल ही में विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, DRDO। विद्युत मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं और विद्युत स्टेशनों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। 2 साल के अंतराल के बाद नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल NEF का 10वां संस्करण हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह त्योहार उत्तर पूर्व क्षेत्र के विविध जीवन, संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में कृत्रिम हृदय विकसित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, IIT कानपुर। IIT कानपुर एक कृत्रिम हृदय के साथ तैयार है जो तीव्र हृदय समस्याओं वाले लोगों के लिए बहुत मदद करेगा। IIT कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर ने कहा कि जानवरों पर परीक्षण 2023 में शुरू होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। हाइपर लूप तकनीक विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टूटर हाइपर लूप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील और टूटर हाइपर लूप ने बड़े पैमाने पर हाइपर लूप प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए IIT मद्रास में एक समझौता ज्ञापन MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य अनुसंधान क्षेत्र डिजाइन और सामग्रियों के चयन की प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी संतोष कुमार यादव को अध्यक्ष नियुक्त किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को पूरे विश्व में महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बेथ मीड। बेथ मीड BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 बन गई हैं। बेथ ने 6 गोल करके गोल्डन बूट जीता और महिला यूरो में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। भारतीय वायुसेना IAF के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्डियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जापान। भारतीय वायुसेना IAF और जापानी वायु आत्मरक्षा बल JASDF 16 से 26 जनवरी तक जापान में हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्डियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में IPL की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सैम करन। ऑलराउंडर सैम करन
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 15 साल के इतिहास में किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। 24 वर्षीय इंग्लिश क्रिकेटर को 2023 सीजन के लिए केरल में हुई आईपीएल नीलामी के पहले दिन पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पीवी सिंधु। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2016 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु सूची में 12वें स्थान पर हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।